बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी सुरक्षा हटाने पर विवाद बढ़ गया है। राबड़ी देवी ने आरोप यह लगाया है कि उनके परिवार को मरवाने की साजिश की जा रही है। अगर उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए बिहार सरकार, बिहार प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपको बता दें, कल सीबीआई की पूछताछ के बाद शाम को लालू प्रसाद यादव के बंगले पर तैनात हाउस गार्ड्स को हटा दिया गया और साथ ही उनके बंगले को खाली करने के लिए बाकायदा नोटिस भी दे दिया गया। लालू यादव के घर पर बीएमपी के 32 कमांडो तैनात थे, जिन्हें कल शाम हटा दिया गया था और इसी से नाराज होकर राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा को भी वापस कर दिया। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते विशेष सुरक्षा मिली हुई है। बाहर जाती है, आपको डर नहीं लगता? ना, हमको डर नहीं आता, जनता के बीच में जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, जनता के बीच जाते हैं, जनता सुरक्षा हमारा करेगा, ऊपर भगवान है, नीचे जनता है, जनता। अब सरकार दोषी होगा, कुछ भी होगा, सरकार दोषी होगा, प्रशासन दोषी होगा। आपके बेटों की भी सुरक्षा वापस? सब सब सब। मोदी जी आते हैं, सीबीआई भी आती है और शाम शाम तक सुरक्षा ही वापस। आप लोग का न्यूज है ना, आप लोग न्यूज चलाइए। मोदी जी आते हैं, सीबीआई आती है, सुरक्षा रात में 9 बजे 8 बजे हटाया जाता है। देख लीजिए क्या तमाशा हो रहा है सरकार के, रमीला कर रहा है सरकार। साजिश है मरवाने के लिए, पूरा परिवार के मरवाने के लिए साजिश हो रहा है। सुना आपने राबड़ी देवी को किस तरीके से सीधे निशाने पर वो ले रही थी बिहार सरकार को और केंद्र की मोदी सरकार को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।